अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं फूड कोर्ट मेरी तरफ से और राजन का कीड़ा है अचार कोशी रेसिपी लाइव चली क्यूटी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने प्याज ले ली थी, प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तेल में। इतना तेल लीजिएगा कि आपकी प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो जाए और जल्दी फ्राई हो जाए। अगर चाहे जल्दी फ्राई कर ले, चाहे तो लेट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जितना टाइम कंज्यूम करें जितना नहीं करें, एज पर योर चॉइस। ये हमने प्याज सेट कर दिया है। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। प्याज की मिकदार जो मिली थी वो हम ली थी एक पाव। हमने प्याज सेट कर दिया। प्याज को जो हमने स्लाइसेस में काट दिया था, स्लाइसेस में सब प्याज काटते हैं, वैसे स्लाइसेस में हमको प्याज काट दिया था हम लोगों ने। जिससे कितनी जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी प्याज, हम लोग डालेंगे। अब हमने प्याज हमने एक जगह निकाल ली थी, इसको सब सुखाने के। अब जो है हम लोग जो है अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून लेंगे, उसे जैसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये जो हमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ही था, अगर आप चाहें तो बाहर का ले सकते हैं, चाहे तो घर का फ्रेश बना हुआ भी ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। लेकिन हमने जो है फ्रेश घर में बनाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने बाहर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने घर में बनाया। अब हमें चिकन डाली थी, चिकन की मिदार मिली थी वो हमें मिली थी 1 किलो। हमने 1 किलो चिकन ऐड करी थी, और चिकन जो हमारी विद बोन थी, कोई बोनलेस थी, सिंपल चिकन जो होती है, हमने वो वाली चिकन ली थी। ये देख सकते हैं आप लोग, इस चिकन को अच्छे से वाइट होने तक फ्राई कर देंगे इस तेल के अंदर। जब तक हमारी चिकन जब वाइट ही हो जाती, तब तक हम लोग उसी तेल के अंदर चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से फ्राई कर देंगे, करते जाएंगे जब तक ये जो है अच्छे से हमारी वाइट नहीं हो चुकी। देख सकते हैं आप लोग, ये वाइट हो चुकी है हमारी सारी चिकन। अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो फ्रेश टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने घर में बनाया था। ये भी हमने फ्रेश जो है घर में बनाया था। जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश होती है, तभी हम लोग आपको डिलीवर करते हैं, तो आपको जो है टेस्ट का और इन्हांसिंग और मज़े करता है। अगर आप इस डिलीवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे आराम से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड करा है हमने जो घर पर अचार गोश्त का मसाला बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हम लोग आपको कमेंट बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, जैसे हम लोग आपको कमेंट बताएंगे। हम जो अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, आप हम लोग 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, हमारी शॉप भी 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आपको कमेंट्स में आप कमेंट करें, आपको हम लोग आपको कमेंट में बता देंगे पूरी रेसिपी। जो हमने मसाला बनाया था, पाउडर बनाया था, थोड़ा सा हमने क्या किया था, इसी मसाले का जो है हमने वो जो हरी मिर्च में भरते हैं मसाला, इसी मसाले का हमने ये मसाला हरी मिर्च में भर दिया था। और उसको ये देखिए, जैसे कि हमने इसमें एक पाव हमने दही ऐड किया इसमें, और हमने 2 नींबू का रस लिए थे, उसमें से आधा हमने इसमें ऐड किया, और आधा जो हमारा मसाला था उसमें हमने हरी मिर्च में डाला है, इसकी हमने जैसे जो बना के हरी मिर्च में डाल दी। इसके हम लोग जैसे अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आपको कमेंट्स में मिल जाएगी। आधा हमने उस मसाले में लीमू ऐड किया था, और आधा हमने इसमें किया, मतलब 2 लीमू का रस लिया था हमने, आधा आधा करके इसमें ऐड किया। अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे वो जो हमने प्याज फ्राई की थी, उसको हम लोग पीस लेंगे अच्छे से। फिर उस फ्राई का उस प्याज जितनी भी हमने फ्राई की थी उसका सारा पेस्ट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। जितनी भी हमने प्याज फ्राई की थी सारा पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे कितना टेस्टी लग रहा है अभी से, इस वक्त उसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि सोचोगे। आप उसे बना के देखिएगा। आप लोग को नहीं बना तो आप लोग उसे आराम से ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम लोग आपको 24 आवर्स के आप जब भी चाहें आप किसी वक्त से ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग आपको कौन से डिलीवर कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी आला है, इसमें से इस वक्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमने बड़ी बड़ी हरी मिर्च ली थी, इस तरह से हमने भर लिया था मसाले को। हम लोग उसके ऊपर वो मसाले के वाली हरी मिर्च रख देंगे। अगर आपको उसका मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि आप कमेंट्स में, हम लोग को आपको फ़ौरन से जवाब दे देंगे, आप कमेंट्स से पूछिए काम से। देख सकते हैं जितनी भी हमने हरी मिर्चों में भरा था, वो सारी हरी मिर्च हम लोग इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। फिर ये हमारे तैयार हो जाएगा एक टेस्टी सा अचार गोश्त लाइम चिली क्यूरी मसाला, यानी कि लाइम चिली क्यूरी हमारी तैयार हो जाएगी सब कुछ करने के बाद। तो उसे हम लोग उसे और पका लेंगे ढक के। ये देख सकते हैं आप लोग, ताकि हरी मिर्च जो है अच्छे से अपने टेस्ट ले लें। हम लोग इसके ऊपर वही मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। हम लोग इसके ऊपर करेंगे अदरक, अगर आप चाहें तो गार्निश करें, अदरक नहीं चाहें तो ना करें, लेकिन अदरक से टेस्ट और मज़े का आता है, खुल के आता है। ये जैसे कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यार लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। मैं बस आप लोग को वीडियो बना के जा रही हूँ खाने के लिए। आलू भी बनाएं, आलू भी खाएं, ऑर्डर करना चाहते तो ऑर्डर भी करें, हम लोग आपको इसी वक्त डिलीवर भी कर देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो या फिर जैसे कितनी मज़े की तैयार हुई है, मुझे तो बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा, मैं बस जा ही रही हूँ। एम के आप लोग को अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए जाऊँ। आप जो देखो बनाएंगे, आप लोग बाहर का बनाएंगे, आप घर का बनाएंगे आप बाहर का भूल जाएंगे, इतने मज़े की होती है। जैसे कि कितना अच्छा हमारी स्टीम आ चुकी है ऊपर, कितने मज़े का तैयार हो चुका है, मैं तो मुँह पानी आ रहा है। तो मेरी तो ये फेवरेट है, जब से मैंने घर की खाई है, बाहर की मुझे अच्छी नहीं लगती थी।
तो दोस्तों ये चमार तैयार हो चुका है, हमारी मज़ेदार सा चार गोश्त तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर हमने मज़ेदार से मसाले वाली हमने हरी मिर्च गार्निश कर दी, जिसकी वजह से और मज़ा आएगा खाने में। ये बहुत ही मज़े का होता है रियली में। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा नोट से और पका लेंगे, पकाते जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें, थोड़ा सा जो है आप लोग चेक कर लें इसे। ये देख सकते हैं कितनी इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी है, मेन मुँह तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग हमारी टेस्टी रेसिपी कैसी लगी और हम लोग आपकी रेसिपी कौन सी लाएँ। दुआ में याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह।